हम अपने क्लब की तरफ से, पूरी क्लब की तरफ से खत्री भवन खत्री सभा का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आज जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था, या हम लोग दो तीन दिन से इस बारे में आपको बता रहे थे कि आज चौथी नाइट है, आज धार्मिक नृत्य होंगे। सभी कपिल कोहली जी द्वारा ये सारे नृत्य पेश किए जाएंगे, अलग अलग मजमून होंगे उनके, और मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आप रोज रोज हमारा साथ दे रहे हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और आपका धन्यवाद जो आखिर तक आप लोग हमारा साथ देते हैं। इसी प्रकार जैसे आज धार्मिक नृत्य है, 6 तारीख को दशहरे के दूसरे दिन हमारी क्लब द्वारा वैरायटी शो किया जाएगा, जिसमें डांस, कॉमेडी, ड्रामे और सॉन्ग गाने होंगे। वो नाइट सिर्फ आपके लिए दी जाती है, आपके मनोरंजन के लिए दी जाती है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग 6 तारीख को काली माता मंदिर के तालाब में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर यहाँ की रौनक को बढ़ाएं। एक तो जगह हमारी बात चल रही है, अगर वो हो गई तो मैं आपको एक दो दिन में ही ये बताऊंगा कि 6 तारीख को शायद कोई हिंदुस्तान की सेलिब्रिटी यहाँ आए। मेरी बात तो एक दो के साथ हुई है, अब देखना ये है कि उनमें से कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मैं अगर आएंगे भी या नहीं आएंगे ये मैं आपको एक दो दिन में बताऊँ। तो मैं इसी आस के साथ कि आप रोज हमारा साथ दें, आपसे विदा लेता हूँ। अब मैं मास्टर मोहनलाल जी सबका मंत्री पंजाब, उनसे कहूँगा कि वो आए मंच पे और मंच का आगे संचालन करें। ईश्वर की भगवान राम की अपार कृपा है, ये देश ही ऐसा है। इस देश में कई भारत है, कई झांकियां हैं, कई शमशान हैं, कहीं रिजॉर्ट हैं, कहीं व्रत हैं, कभी देवियां हैं, कभी देवता है, कहीं राम की लीला है, कहीं भगवती की लीला है। इस संसार के अंदर अगर कोई मुल्क सबसे प्यारा है, अगर कोई मुल्क जिसमें सबसे पहले सूर्य निकलता है, तो वो हिंदुस्तान भारतवर्ष इंडिया है। और इस इंडिया में पठानकोट एक ऐसा शहर है जो दो दरियाओं के बीच का बसा हुआ शहर है, एक तरफ चक्की दरिया है, दूसरी तरफ रावी दरिया है। चक्की को पहले चक्रावती कहते थे, इसका पौराणिक नाम चक्रावती, और इधर रावी लौरव करती हुई, शोर करती हुई बहती हुई आती है। अब तो उसके ऊपर बांध बन गए, बड़े बड़े बांध बन गए। दो दरियाओं के बीच में पड़ने वाली जो है ये बड़ी कामयाब भूमि है। सिकंदर को यहीं आकर के घुटने टेकने पड़े थे। इसके आगे काठ के पुल से आगे
मगध प्रदेश शुरू हो जाया करता था। तो आइए, मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जितनी भीड़, जितना धूम धड़ाका, जितना हर्षोल्लास, जितनी खुशी आज मैंने लोगों के चेहरों के ऊपर पड़ी बारात का स्वागत करते हुए, वो काबिले तारीफ है। पठानकोट के लोग बड़े सुहावने लोग, और रामा ड्रामाटिक क्लब के कलाकारों का जिस तरीके से आदर मान सम्मान करती है पठानकोट की जनता, उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ, आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये संबंध सदियों तक हमारे और पठानकोट के लोगों के बीच में बने रहे। आज की नाइट हमने लोगों को डायरी डेडिकेट की है। एक आज की नाइट है, एक क्षेत्रीय की नाइट, दो नाइटें सिर्फ जनता को डेडिकेट की है। आज की नाइट के ऊपर जो खुल खुला डांस होंगे, गिद्दे होंगे, भंगड़े होंगे, गीत होंगे, वो सब आपके निमित्त होंगे। जब रामायण शुरू होती है तो सारी चीज़ें हमारे बस में होती हैं, और आज की नाइट आपके बस में है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज इस प्रकार बारात का स्वागत किया। खत्री भवन ने, खत्री सभा ने जिस प्रकार अपने पत्ते से पैसा खर्च करके हमारी बारात का स्वागत किया, तरह तरह के पकवान बनाए, बारात का राम और सीता का स्वागत किया, वह भी मेरे जहन में तरोताजा सीन है। बेशुमार लोग आए हुए थे, खाने वाले भी पकाने वाले भी बेशुमार लोग थे, और इस तरीके से जितना अच्छा प्रोग्राम था उसके लिए खत्री सभा बधाई की पात्र है। जितना अच्छा प्रोग्राम रामा ड्रामाटिक क्लब ने किया वह भी बधाई की पात्र है। जितनी शमूलियत आपने की आपकी बधाई के पात्र हैं। तो आइए, आप जयकारा मेरे साथ लगाइए और हम आज की नाइट शुरुआत करते हैं। आज की नाइट का सारा प्रोग्राम कोहली एंड पार्टी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जलंधर से पार्टी है तो सारा प्रोग्राम उन्हीं के हाथ में है। आइए एक बार जोर से जयकारा लगाइए, फिर मैं कोहली साहब को जयमा दूंगा कि वो स्टेज पर है। भारत माता की, भारत माता की, कोसलापति रामचंद्र भगवान की। आइए कोहली साहब।
सारे जनता 408 नंबर है, टूडे हेडलाइन 131 और 131 और बोलो एक और चीज, पांचवें चैनल 240 एक फेसबुक पर रामा ड्रामाटिक क्लब तक लाइव चल रहा है, जोशी जी देख रहे हैं सारे, तो बड़ी मेहरबानी है जो भी शो असी दिखा रहे हैं उस सारी चीज़ें मर्यादा के अंदर असी पेश कर रहे हैं। तो आओ ओलियन पार्टी अगली आइटम जी लैके के तुहाडे सामने आ रहे हैं। लेकिन दूजे धर्म के जैसी बिल्कुल मनाई है,
जिस तरीके ने दूजे धर्म हिंदू धर्म नू फेरू लान लगे ने फेरा लान लगे है धर्मांतर जबरदस्ती कराई जा रहे हैं ये हिंदू धर्म ही सहन करी जाता बाकी धर्म कोई सहन नहीं कर सकता हिंदू धर्म बड़ा सहनशील धर्म है विशाल और सहनशील कोऑपरेटिव और सारी दुनिया के धर्मों को मानने वाला इज्जत मान सम्मान करता है साड़ी नज़र च मुसलमान भी क्रिश्चन भी सिख भी गैर सिख भी पारसी भी बोगी भी जैनी भी सब इस देश के बछिंदे ने असी सब का भला मनने कोई हिंदुओं का भला मने ना मने पर हिंदू सारे का भला मनने वाला सर्वे भवंतु सुखिना कहने आओ जी कोली एंड पार्टी व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल ममून रोड पठानकोट कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540066113